आज की वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। जो तीनों जॉब्स है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, यानी कि आपको वहां पे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देना है और अपने ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे बनानी है। और एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जहाँ दोस्तों यानी कि अगर आप फ्रेशर भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे तीन जो जॉब अपडेट्स क्या है, वहां पे अप्लाई कैसे करना है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत में अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो कुछ व्यूवर्स है सब्सक्राइबर्स है उनके लिए कुछ जॉब अपडेट्स के लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो उसे भी आप ज्वाइन जरूर कीजिए, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों भी जॉब अपडेट्स आए हैं वो टॉपर की तरफ से आए हैं। जहाँ दोस्तों इससे पहले भी मैंने टॉपर के ऊपर वीडियो बनाया था, वहां पे उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत थी। जहाँ दोस्तों आज इसी प्लेटफॉर्म से वैकेंसी आई है, इनमें सब्जेक्ट कौन से, पेमेंट कितना मिला है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो अगर हम बात करें सबसे पहले जॉब अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्रीलांसर एसडब्ल्यू मतलब सॉल्यूशन राइटर, यानी कि सेम होता है, आपको सिंपल क्वेश्चंस के आंसर वहां पे प्रोवाइड करने होते। तो यहाँ पे देखिए टॉपर्स इज लुकिंग फॉर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, चार सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एज ए सॉल्यूशन राइटर के लिए, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम बात करें प्री रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग ए सॉल्यूशन राइटिंग, मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया कौन से रखा है, मिनिमम आपको यहाँ पे बैचलर होना जरूरी है। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स, इस सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग भी की है और अगर आपको मैथ्स का फिजिक्स का नॉलेज अच्छा है तो भी आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप अपने एंड्रॉयड फोन से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे पर्सनली काम किया है, अच्छी खासी अर्निंग बन जाती है आपकी मोबाइल फोन से। सो अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन भी यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डाउट्स पूछते हैं, तो उन डाउट्स का सोल्यूशन हमें देना आना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इनका जो पेमेंट आता है वो डायरेक्टली बैंक में आता है। सो बैंक में आने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अपना बैंक अकाउंट चाहिए, और ये इंडिया की कंपनी है तो इंडिया की कंपनी की जब आप पेमेंट देते हैं तो उनका टैक्स कटता है। सो टैक्स के बेनिफिट के लिए आपको अपना पैन कार्ड भी यहाँ मैंडेटरी है, यानी कि आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड और अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, जो भी 11th एंड 12th ग्रेड के जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी के, उनको आपको आंसर देना है। वो जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो सीबीएसई या फिर NEET यानी कि नीट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 11th एंड 12th क्लास के यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे टारगेट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक वीक में आपको लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी कि 7 दिन में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको देखिए डेज इन वीक विद मिनिमम 20 सॉल्यूशन इन ए सिंगल फाइल, मतलब उनका कुछ क्राइटेरिया, अगर फाइल्स क्वेश्चंस को आप सबमिट करना चाहते हैं तो एक फाइल में आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे होने चाहिए, आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पर क्वेश्चंस कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे पर क्वेश्चंस इनके जो क्वेश्चंस की लेंथ होती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर क्वेश्चन शॉर्ट है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 18 यानी कि 18 रुपए मिलेंगे और मैक्सिमम 26, अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो 26 रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन का रेट थोड़ा सा कम है लेकिन उसकी मतलब जो टाइम स्पेंड होता है हमें सॉल्व करने में टाइम लगता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, 2 से 5 मिनट यहाँ पे लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके हिसाब से 18 से 6 जो अभी हमें 26 रुपए मिलते हैं वो काफी है, ठीक है। और हम यहाँ पे शेड्यूल की बात करें, बिल्कुल फ्लेक्सिबल वर्क है, जब भी टाइम आपको मिलेगा आप वहां पे आके काम कर सकते हैं, बिल्कुल पार्ट टाइम है और कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। सो ए हो गई पहली जॉब अपडेट। अब बात करते हैं हमारे दूसरी जॉब अपडेट्स के बारे में, वो है डाउट एक्सपर्ट। अब डाउट एक्सपर्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या मिलेगा,
जो सॉल्यूशन राइटर था वो आपको 11th एंड 12th ग्रेड के लिए था, और जो डाउट एक्सपर्ट है वो आपको 4th ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें आंसर देना है वो चैट के थ्रू देना है, मतलब क्वेश्चन सॉरी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा, हमें चैट करके ऑनलाइन उनको डाउट उनके सॉल्व कर देने, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। अब सब्जेक्ट मतलब आपको यहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट के लिए आए वैकेंसी, क्लास 4 to 10 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई। अब रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे बीकॉम डाउन आपकी, यहाँ पे भी आपने उन्होंने बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होना मस्ट है, इसके साथ साथ लैपटॉप डेस्कटॉप और आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप और मोबाइल फोन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, गुड रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इसके साथ साथ पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या मिलेगा दोस्त, उन्होंने एक ऑन एन एवरेज दिया है दोस्तों, अगर आप मतलब दिन में 20 से 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हो तो उसके हिसाब से आपका एक महीने में 15,000 से 25,000 रुपए इसका बनता है अप्रोक्सीमेटली उन्होंने दिया। सो सभी क्वेश्चन का प्राइस सेम होता है, 15 रुपीज से 25 रुपीज तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्कुल पार्ट टाइम है, बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। ये हो गए हमारे सेकंड अपडेट। जो थर्ड अपडेट है वो है पीपीटी क्रिएटर, यानी कि हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे, ये देखिए टॉपर की तरफ से आई है, बिल्कुल रिमोट है पीपीटी क्रिएटर। यहाँ पे देखिए टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद अटमोस्ट सब्जेक्ट एक्यूरेसी मेंटेन एंड गुड फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट्स इनकॉर्पोरेट इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मतलब सिंपल आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई क्यूरिकुलम होता है उसके आपको पीपीटी बनानी है, ठीक है। इसके लिए आपको पावर पॉइंट का नॉलेज होना जरूरी है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, गुड सब्जेक्ट नॉलेज अप टू K12, मतलब आपको ग्रेड 12 तक अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, ओके। यहाँ पे भी आप फ्रेशर है तो अप्लाई कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल रिटन, मतलब आपको अपना जो इंग्लिश राइटिंग है बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन पीपीटी क्रिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पावर पॉइंट का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। एक्सपर्ट इन एमएस ऑफिस पावर पॉइंट 365 टीम प्लेयर हु इज रेडी टू लर्न एंड अडॉप्ट, ओके। देन बेनिफिट्स आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ की सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे जैसे आप पीपीटी बनाएंगे पर पीपीटी के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी आई थिंक मिल जाएगी, ठीक है। वैसा तो यहाँ पे कोई क्लियरली मेंशन नहीं किया है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो सिंपली हर एक जॉब अपडेट्स के नीचे आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर दिस जॉब का एक बटन मिल जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट रिज्यूम फ्रॉम, अगर आपके मोबाइल में आपके लैपटॉप में आपका रिज्यूम है रेडी है तो आपको यहाँ से इम्पोर्ट करना है, नहीं तो सिंपल आपको जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी है आपको फिलअप कर देनी है, आपका मोबाइल नंबर दिया है सब कुछ यहाँ पे दिया, एजुकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ, और यहाँ पे कवर लेटर अटैच करना है, यहाँ पे आपका रिज्यूम अपलोड करना है, सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों हर कोई प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी मतलब रिस्पॉन्स नहीं देता है, लगभग उसे 7 दिन तो लगते हैं, 7 दिन से लेकर 1 महीना उतना टाइम तो उनको लगता है, ठीक है। सो अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, मैंने खुद यहाँ पे काम कराए, अच्छी खासी पेमेंट मिलती है, टाइम पे पेमेंट मिलती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट और पैन कार्ड है तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए और लगभग 1 महीने तक इंतजार कीजिए, आपके पास रिप्लाई जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में देखने प्लेटफॉर्म से, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।